दोस्तों, अगर आपने गुल्ली बुल्ली इविल नन और जॉम्बी का पार्ट 1-2 अभी तक नहीं देखा है तो आप पहले उसे देख लें, वरना वीडियो आपको पूरी तरह समझ में नहीं आएगी। पिछली वीडियो में हमने देखा कि इविल नन गुल्ली को जॉम्बी के सामने ले आती है और ये जॉम्बी इसको खा जाता है। तभी ये तीनों भी गुल्ली को ढूंढते हुए आते हैं और दोनों जॉम्बीज भी इन्हें देख के अपने कब्जे में ले लेते हैं। ये लोग तालाब में जाके जॉम्बी बनाने वाला इंजेक्शन लाके रॉड को लगा देते हैं और रॉड भी जॉम्बी में बदल जाता है। मगर गुस्से में ये इन दोनों को ही मारने लगता है और इसके पेट से गुल्ली बाहर निकल आता है। मगर रॉड इन लोगों पे भी हमला करने लगता है। तभी शॉन के हाथ में आइसक्रीम देख के इसकी पुरानी यादें लौट आती हैं। मगर दोनों इविल नन इन्हें मारने के लिए एक तोप ले आती हैं। चलिए अब आगे की स्टोरी देखते हैं। रॉड तो बाल बाल बचा। लगता है कि सारे गोले खत्म हो गए, तुम जाके कुछ और भी ले आओ, तब तक ये तीनों निकल जाएंगे, हमें इनका काम अभी तमाम करना होगा। रॉड रुके क्यों हो तुम, जल्दी निकलते हैं यहाँ से, उनके हथियार खत्म हो गए हैं, ये अच्छा मौका इन्हें मार गिराने का। लगता है इसका दिमाग खराब हो चुका है, अपनी मौत की तरफ खुद चल के आ रहा है ये। भला अब तुम लोग मुझे मारोगे ही कैसे, तुम्हारे हथियार ही खत्म हो गए हैं अब तो, अब मरने के लिए तुम लोग तैयार हो जाओ। रॉड तो गया बुल्ली, जल्दी हम बाबा को बुलाते हैं मदद के लिए। दोनों शॉन को उठा के जा रहे हैं। अब तो तुम गए, इसको मारना तो बड़ा आसान था, तुम क्या सोच रही हो, वो तीनों रॉड को बचाने आएंगे, ज़ॉम्बीज़ को लेके तैयार रहो, इस बार वो बच के जाने ना पाए। बाबा अपने घर पे ही ध्यान लगाए हुए हैं। गुल्ली बुल्ली शॉन को लेके यहाँ आ गए। बुल्ली कहता है कि बाबा आप सो रहे हो तो जाग जाओ, हम बड़ी मुसीबत में हैं। बाबा कहते हैं कि ये शॉन को क्या हुआ गुल्ली बुल्ली, इससे ऐसे क्यों लाए हो। बाबा इस पे इविल नन ने तोप चला दिया था, ये भी होश है और उन्होंने रॉड को भी पकड़ लिया है। बाबा ने शॉन को ठीक कर दिया। अरे क्या हुआ, मैं नर्क में हूँ क्या, अरे यहाँ तो भूत भी हैं, कोई बचाओ मुझे। बाबा कहते हैं कि हमें जल्दी रॉड के पास चलना चाहिए, इससे पहले उसे कोई खतरा हो। बाबा ने यहाँ बादल को बुला लिया और ये लोग रॉड को बचाने के लिए निकल चुके हैं। ये लोग एक अलग सी ही जगह पे आ गए हैं। गुल्ली कहता है कि बाबा ये तो कोई और ही जगह है, यहाँ पे रॉड नहीं होगा, अगर बादल हमें यहाँ लेके आया है तो रॉड यहीं है, ये कभी गलत नहीं हो सकता है, आओ एक बार चल के ही देख लेते हैं। सामने तो वही दोनों ज़ॉम्बीज़ हैं। इविल नन वो आ चुके हैं, सारी चीजें तैयार कर लो। तभी शॉन इन ज़ॉम्बीज़ को देख लेता है। बाबा ये वही ज़ॉम्बीज़ हैं जिन्होंने हम पे हमला करा था, मैं अभी इन्हें देख के आता हूँ। गुल्ली कहता है कि बाबा वो तो एक मगरमच्छ है। और यहाँ दो और मगरमच्छ आ गए, बाबा को तालाब में ले गया। दोनों ज़ॉम्बीज अपने साथ दो तोप लेके आ रहे हैं। गुल्ली कहता है कि हम बाबा को इसमें कैसे छोड़ दे अकेले, हमें अभी छिपना ही होगा वरना वो दोनों हमें तोप से उड़ा देंगे, जल्दी पेड़ के पीछे चलो। बाल बाल बचे। ज़ॉम्बी कहता है कि इन्हें बाहर कैसे निकालें, एक काम करते हैं पूरे पेड़ को ही उड़ा देते हैं। दोनों इनके पेड़ों पे हमला करे जा रहे हैं। शॉन कहता है कि अब क्या करें गुल्ली बुल्ली, पेड़ तो कुछ ही समय में टूट जाएंगे। बाबा ने इन्हें बचा लिया। ज़ॉम्बी कहता है कि इविल नन कहाँ हो, ये बूढ़ा बाबा बाहर आ गया। बाबा कहते हैं कि अब तुम दोनों का खेल खत्म करने का समय हो चुका है, चुपचाप से बता दूं कि रॉड को कहां रखा है तुमने। इविल नन तो इस घर के ऊपर बंदूक लिए खड़ी है, बस कुछ ही देर और ये भी ज़ॉम्बी में बदल जाएगा, लेकिन उस रॉड के जैसे ये भी खुद से ठीक हो गया तो क्या करेंगे। चिंता मत करो, इस इंजेक्शन में 10 गुना ज्यादा शक्ति है, तो अब रॉड का क्या करें, उसका कोई काम नहीं है, वो बस इस बाबा के लिए चारा था, एक काम करो उसको पत्थर में बदल दो। अभी विलन बाबा के पास आने लगी। तभी बुल्ली का ध्यान इस पे जाता है।
गुल्ली शॉन वो बाबा है क्या? भला इविलन यहाँ कब आई? ये तो बाबा की सारी शक्तियाँ चुरा रही है। गुल्ली कहता है कि तुम दोनों यहीं रुकना, मैं बाबा को बचाने की कोशिश करता हूँ, लेकिन अगर मैं भी फंस जाऊँ तो तुम दोनों यहाँ से निकल जाना। ये भागता हुआ इन्हें बचाने के लिए आ रहा है। गुल्ली छुप के स्तूप के पास आ रहा है। इविल नन ने इसको देख लिया। बाबा तो देखने में बिल्कुल जॉम्बी जैसे हो चुके हैं। बाबा आपको क्या हुआ? गुल्ली शॉन ये बाबा को तो आके देखो। बाबा ने तो गुल्ली को मार दिया। शॉन जल्दी बाबा को चल के पकड़ने में मदद करो मेरी। बाबा तो बहुत गुस्से में हैं। इन्होंने शॉन को देख लिया। गुल्ली इन पे तूप से निशाना लगा रहा है। बुल्ली कहता है कि गुल्ली तुम ठीक हो क्या? हाँ बुल्ली, मुझे बस थोड़ी सी ही चोट लगी है। शॉन भी अभी ठीक है। अच्छा हुआ इविल नन ने इनकी शक्तियाँ निकाल ली थी, वरना तो शॉन अभी मार गया होता। ये वापस इनके पास आ रहा है। शॉन कहता है कि हमें बाबा को रस्सी से बांध देना चाहिए, इससे पहले ये होश में आके हमें मार के बेहोश कर दें। इन्होंने यहाँ पे बाबा को बांध दिया है, मगर यहाँ बिजली वाली इविल नन आ गई है और इसने झटका देके इविल नन को ठीक कर दिया। आखिर यहाँ हो क्या रहा है और वो तीनों आजाद क्यों घूम रहे हैं? इन्होंने मुझे तोप के गोले से मार दिया था। अपना चाकू निकाल लो, इनको अब जिंदा नहीं छोड़ना है हमें। बाबा भी तो अब जाग गए और इन्होंने इन दोनों को भी सामने देख लिया। दोस्तों क्या होगा बागी की स्टोरी में? क्या बाबा वापस ठीक हो पाएंगे या दोनों इविल नन मिलके इन तीनों को मार देंगी? ये सब देखेंगे हम इस कहानी के अगले पार्ट में। इसका अगला पार्ट जल्दी से देखने के लिए कमेंट्स में पार्ट 4 जरूर लिखें। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कर लें।